क्या आप माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से डीसीए कर रहे हैं, जो कि 12th के बाद एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स होता है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन? तो क्या आप ये कोर्स माखनलाल यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? आपके बहुत जल्द अब एग्जाम होने वाले हैं। जी हाँ, यदि आपने जुलाई में एडमिशन लिया है या जनवरी में एडमिशन लिया हुआ है, तो आपके अब एग्जाम होने वाले हैं माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के डीसीए पीजीडीसीए के अब एग्जाम शुरू होने वाले हैं। क्या आपको डीसीए का सिलेबस समझ नहीं आ रहा है? जी हाँ, डीसीए में फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर में अलग अलग थ्योरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। तो क्या आपको डीसीए का सिलेबस जो है वो समझ नहीं आ रहा है? आप डीसीए के पूरे प्रैक्टिकल को, थ्योरी को अच्छे से समझना चाहते हैं? जी हाँ, आप चाहते हैं कि डीसीए के सिलेबस में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो आपको कोई पूरा उसकी थ्योरी समझा दे और उसके पूरे प्रैक्टिकल को कोई कंप्यूटर में करके दिखा दे, ताकि सिलेबस के हर एक टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ सके, ताकि डीसीए के बाद आप कहीं जॉब करने जाओ तो आपको परेशानी ना हो। यदि आपने केवल डिप्लोमा कर लिया, आपने एग्जाम बस दे दिया, अब आपको प्रैक्टिकल का नॉलेज नहीं है, आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है, जब आप कहीं डिप्लोमा लेकर के इंटरव्यू में जाते हैं या कहीं काम करने जाते हैं, तो आपको वो चीजें मालूम ही नहीं होती जो सब्जेक्ट में दी गई होती हैं, और उन्हीं चीजों की जरूरत कहीं ना कहीं हमको आगे चल के अपने फ्यूचर में पड़ती है, जहां हम वर्क करते हैं या जहां हम इंटरव्यू देने जाते हैं। तो क्या आप चाहते हो कि आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, आप इतने अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस की थ्योरी और प्रैक्टिकल को समझ लो? इसके लिए आपको हम प्रोवाइड करवा रहे हैं अपने इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स। जी हाँ, इसके लिए आपको ना एक ऐप डाउनलोड करना है। यदि आप चाहते हो डीसीए की, माखनलाल चतुर्वेदी की कंप्लीट पढ़ाई करना, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। इस ऐप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप इस ऐप को अपने मोबाइल पर सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप में आपको डीसीए की तैयारी का फुल कोर्स मिलने वाला है। इस कोर्स में आपको 700 प्लस वीडियो, 55 पीडीएफ नोट्स की फाइल, ओल्ड पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिससे आपको पूरा प्रैक्टिकल भी डीसीए का समझ में आ जाएगा और जो भी थ्योरी दी गई है पूरे सब्जेक्ट की, वो आप नोट्स की पीडीएफ को पढ़ करके बहुत अच्छे तरीके से डीसीए के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। आप हमारे ऐप से ऑनलाइन डीसीए एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हो, उसमें आपको 722 वीडियोस, 59 फाइल्स मिलेंगी और लाइफ टाइम ड्यूरेशन रहेगी इस कोर्स की। आपके मोबाइल में आपने कहीं से डीसीए तो कर लिया, लेकिन वहां पर तो आप इंस्टीट्यूट जाएंगे नहीं, लेकिन यदि आप हमारा ये कोर्स लेते हैं तो इसके जो वीडियोस हैं, जो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, वो आपके पास मोबाइल में लाइफ टाइम रहने वाले हैं। तो जब कभी आपको कहीं प्रैक्टिकल में दिक्कत आएगी, आप इन वीडियो को फिर से देख करके उस चीज को रिवाइज कर सकते हैं और उसमें परफेक्ट हो सकते हैं। यहां पर आपको डीसीए में सब्जेक्ट की थ्योरी मिलेगी, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, एमएस ऑफिस पूरा प्रैक्टिकल करके सिखाया जाएगा, एमएस एक्सेस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसके पूरे प्रैक्टिकल वीडियो मिलेंगे, इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के बारे में पूरा सिलेबस है आपका, आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी आपको सिखाया जाएगा, मल्टीमीडिया विद कोरल ड्रा, इसी प्रकार से डीटीपी, फोटोशॉप और पेज मेकर, ये सारे सब्जेक्ट को 722 वीडियो में पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर जो क्लास में पढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से आपको डीसीए की तैयारी इन सारे सब्जेक्ट की वीडियो के माध्यम से करवाई जाएगी। अभी आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए और ऐप डाउनलोड कीजिए, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप। जी हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आए और इस ऐप को डाउनलोड कर लें, जिसका नाम है माय कंप्यूटर कोर्स ऐप, और आप इससे डीसीए की तैयारी कर सकते हैं। अभी हम आपको डेली कुछ क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। इसके बाद यदि आप एक साथ अपने मोबाइल में पूरे 700 वीडियोस को चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए, जिसका थंबनेल कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा है, जो आप यहां पर देख रहे हैं प्रेजेंटेशन में। तो चलिए अब हम आज डीसीए की क्लास ऑनलाइन अपने यूट्यूब चैनल पर शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में। आउटपुट डिवाइस क्या होती है,
सबसे पहले आउटपुट डिवाइस क्या होती है इसको हम समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइस हार्डवेयर का एक अवयव अथवा कंप्यूटर का एक मुख्य भौतिक भाग है। यह सूचना के किसी भी भाग तथा सूचना के किसी भी प्रकार जैसे ध्वनि, डेटा, मेमोरी, आकृतियां इत्यादि को प्रदर्शित करता है। आउटपुट डिवाइस में सामान्यतः मॉनिटर, प्रिंटर, एयरफोन तथा प्रोजेक्टर सम्मिलित होते हैं। आउटपुट डिवाइस कई प्रकार के होते हैं जैसे मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर, साउंड कार्ड, ईयरफोन आदि। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये चीजें। हम सबसे पहले बात करते हैं मॉनिटर की। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर एक ऐसा आउटपुट संयंत्र या एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो टीवी जैसे स्क्रीन पर आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसे हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। मॉनिटर को सामान्यतः उसके द्वारा प्रदर्शित रंगों के आधार पर तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब मॉनिटर को रंगों के आधार पर कैसे बांटा गया है? सबसे पहला जो प्रकार है वो होता है मोनोक्रोम मॉनिटर। यह शब्द दो शब्दों जैसे कि मोनो और क्रोम, इन दो शब्दों से बना है, जिसमें से मोनो का अर्थ होता है एकल या सिंगल और क्रोम का अर्थ होता है रंग यानी कि कलर। इसलिए इसे सिंगल कलर डिस्प्ले भी कहते हैं तथा यह मॉनिटर इसे हम ब्लैक एंड व्हाइट के नाम से भी जानते हैं। मोनोक्रोम के बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो है ग्रे स्केल मॉनिटर। यह मॉनिटर मोनोक्रोम के जैसे ही होते हैं लेकिन किसी भी तरह के डिस्प्ले को ग्रे शेड में प्रदर्शित करते हैं और इस प्रकार के मॉनिटर अधिकतर हैंडी कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके बाद तीसरी कैटेगरी जो है वो है रंगीन मॉनिटर यानी कि कलर मॉनिटर की, जिसमें मुख्य रूप से आरजीबी विकिरणों के समायोजन के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित किया जाता है। सिद्धांत के कारण ऐसे मॉनिटर उच्च रेजोल्यूशन में ग्राफिक्स को प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। कंप्यूटर मेमोरी की क्षमता अनुसार ऐसे मॉनिटर 16 से लेकर 16 लाख तक के रंगों में आउटपुट प्रदर्शित करने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रिंटर की। प्रिंटर क्या होते हैं? प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। कागज पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इसके बाद प्लॉटर। प्लॉटर जो होता है वो एक आउटपुट डिवाइस है जिसमें हम चित्र, चार्ट, ग्राफ आदि को प्रिंट कर सकते हैं। यह 3D प्रिंटिंग में भी उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बैनर, पोस्टर, इन सभी चीजों को प्रिंट करने के लिए किया जाता है। प्लॉटर जो होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ड्रम पेन प्लॉटर, दूसरा होता है फ्लैट बेड प्लॉटर। प्लॉटर के बाद आता है साउंड कार्ड एवं स्पीकर। ये भी आउटपुट की डिवाइस में आते हैं, आउटपुट डिवाइस में आते हैं। साउंड कार्ड एक विस्तारक यानी कि एक्सपेंशन बोर्ड होता है जिसका प्रयोग साउंड को संपादित करने तथा आउटपुट देने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर में गाने सुनने, फिल्म देखने या गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाना आवश्यक होता है। आजकल यह साउंड कार्ड मदरबोर्ड में पूर्व निर्मित होता है। साउंड कार्ड तथा स्पीकर एक दूसरे के पूरक होते हैं। साउंड कार्ड की सहायता से ही स्पीकर ध्वनि उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्टर की। प्रोजेक्टर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर का प्रयोग चित्र या वीडियो को एक प्रोजेक्शन स्क्रीन पर प्रदर्शित करके श्रोताओं को दिखाने के लिए किया जाता है। प्रोजेक्टर जो होते हैं वो मुख्य तीन प्रकार के बताए गए हैं, जैसे कि वीडियो प्रोजेक्टर, मूवी प्रोजेक्टर और स्लाइड प्रोजेक्टर।